कॉमन टाइप्स ऑफ सेल्स में हम लोग आगे का एग्जांपल पढ़ते हैं, स्टोरेज सेल, या तो उसको लेड एक्यूमुलेटर ऐसा भी कहा जाता है. दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन सेल्स बिकॉज दिस सेल वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स. इसके लिए पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल मतलब रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर, चार्जिंग. व्हाइल चार्जिंग दिस सेल वर्क्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. एंड द केमिकल एनर्जी दस प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड और एक्यूमुलेटेड. हेंस द नेम स्टोरेज सेल और एक्यूमुलेटर. टू स्टोर मीन्स टू एक्यूमुलेट. तो ये प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है, चार्जिंग. चार्जिंग मतलब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी दिया है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना. मतलब इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्टिंग व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब ये केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है उसको वो स्टोर करके रखता है. स्टोर करना, इसके लिए इसके नाम में स्टोरेज सेल है, या स्टोर करने को एक्यूमुलेट करना ऐसा भी कहते हैं, इसके लिए एक्यूमुलेटर. तो ये सेल चार्ज हो गया. चार्ज होने के बाद फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं जहां कहीं पे भी यूज करना है, तब वो यूज में आता है. यूज में आता है मतलब क्या करता है, डिस्चार्ज होने लगता है. तो प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट इज डिस्चार्जिंग. अब डिस्चार्जिंग के दौरान, व्हाइल डिस्चार्जिंग दिस सेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्टिंग व्हाट द प्रीवियसली स्टोर्ड केमिकल एनर्जी. प्रीवियसली स्टोर्ड मतलब चार्जिंग के दौरान जो स्टोर किया था वो केमिकल एनर्जी. प्रीवियसली स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. इट इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब कभी जरूरत होगी वो यूज करता है. मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान क्या करता है, चार्जिंग के दौरान जो केमिकल एनर्जी उसने स्टोर करके रखा था, एक्यूमुलेट करके रखा था, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ. और जब जब जरूरत होगी तब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है. सो ये एक अनोखा सेल है, एक्सेप्शन. मैंने कहा दो प्रिंसिपल पे काम करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है चार्जिंग के दौरान, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है व्हाइल डिस्चार्जिंग. चार्जिंग के दौरान वो क्या करता है, इट इज कन्वर्टिंग विच एनर्जी, इट इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इस केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इस स्टोर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है व्हाइल डिस्चार्जिंग. तो ये उसका प्रिंसिपल हुआ. अब डायग्राम देख लेते हैं. लेट अस सी द डायग्राम. सिंपल सा डायग्राम है, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है. इसके अंदर चार प्लेट्स लगे हुए हैं. ये जो फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट है, फर्स्ट और थर्ड प्लेट है ना, वो लेड प्लेट्स हैं. और जो सेकंड एंड फोर्थ है, जिसको मैंने थोड़ा शेडिंग निकाला ऐसा है ना, सेकंड एंड फोर्थ है, ये भी लेड प्लेट्स ही है, सिर्फ उसके ऊपर कोटिंग है, कोटेड विथ PbO2. PbO2 पाउडर होता है, तो इसके ऊपर PbO2 का कोटिंग किया है पाउडर का. तो फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं. इट इज गोइंग टू एनोड, ये एनोड है लेफ्ट में. सेकेंड एंड फोर्थ आर कनेक्टेड, इट इज गोइंग एंड मेकिंग कैथोड, ऐसा है. और इस ये पूरा जो सेटअप है वो 38% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 में रखा है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है समवेयर अराउंड 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब डेंसिटी बिफोर यूज, ये इसका डेंसिटी. ऐसा सिंपल सा डायग्राम है. ये जो दो वायर्स हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई से लेंगे. इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसके अंदर से, मतलब कैथोड के अंदर से प्लेट में आएगा, प्लेट से सोल्यूशन में आएगा, फिर रिएक्शन शुरू होगा, डिसोसिएशन होगा और केमिकल एनर्जी स्टोर होगा. मतलब ये चार्ज हो गया. अब चार्ज हो गया, फिर इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे कहाँ पे. अभी दिस इज यूज एज अ कार बैटरी सपोज, है ना, इसको कार बैटरी भी कहा जाता है. तो जो कार है उसके अंदर उसको कनेक्ट किया चार्ज करने के बाद, फिर जब गाड़ी शुरू करने के लिए, कार का हेडलाइट लगाने के लिए, एसी लगाने के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए एक्सेट्रा, आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा. तो ये जो कनेक्टेड है, चार्ज किया गया है ना, वो डिस्चार्ज होने लगता है. मतलब उसने जो प्रीवियसली स्टोर किया है चार्जिंग के दौरान, प्रीवियसली स्टोर किया केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सप्लाई करता है. सो ये बेसिक उसका डायग्राम है. इसके बाद हम लोग रिएक्शंस लेते हैं. ये जो परसेंटेज दिया है 38% वेट बाय वॉल्यूम, जो हम लोग सॉल्यूशंस में पढ़ चुके हैं, वेट बाय वॉल्यूम है. मतलब H2SO4 इसमें
38 ग्राम्स रहेगा, बाकी बचा हुआ वाटर है ऐसा, मतलब इसका परसेंटेज अगर आप चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज होगा। 38% में जनरली आपको 2 वोल्ट्स मिलता है, इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है वो 2 वोल्टेज है। ये परसेंटेज बदलेंगे तो उसके हिसाब से वोल्टेज बदलेगा, तो जो जरूरत रहेगी उसके हिसाब से 20%, 75% ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का, ये कॉन्सेंट्रेशन है HSO4 का, वो बदलता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वोल्टेज। ये स्टैंडर्ड है 38% वेट बाय वॉल्यूम HSO4, जिससे वोल्टेज आपको मिलता है 2 वोल्ट्स। तो दिस इज अबाउट द डायग्राम। फिर हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। लेड एक्यूमुलेटर के रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था, जस्ट ये अगेंस्ट हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं, ये दोनों वायर्स हम लोग बाहर जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको कनेक्ट करेंगे, तो करंट ऑब्वियसली कैथोड से अंदर आएगा, है ना, प्लेट्स में उतरेगा, प्लेट से सोल्यूशन में जाएगा, सोल्यूशन में जाने के बाद पहला रिएक्शन होगा डिसोसिएशन रिएक्शन। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस में लिया जाता है, एक्सेस में क्यों लिया जाता है वो रिएक्शन के दौरान मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसका डिसोसिएशन होगा, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, पहला रिएक्शन है डिसोसिएशन। ये H2SO4 एक्सेस में लिया गया है, 2H2SO4 38% एक्वेस और डिसोसिएट हो गया आपको देगा 4H+ एक्वेस एंड 2SO4-2 एक्वेस। ये फर्स्ट रिएक्शन है। अब रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग का दो प्रिंसिपल में से डिस्चार्जिंग बिहेवियर एज इलेक्ट्रोकेमिकल से जो मैं प्रिंसिपल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिएक्शन एट एनोड एनोड पीबी से बना है, कैन यू सी दैट इन द डायग्राम हियर, ये फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो लेड प्लेट्स है, इससे आपका एनोड बना है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा पीबी का, लेट अस सी हियर, पीबी का ऑक्सीडेशन होगा वो आपको मिलेगा Pb+2 एक्वेस प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये Pb+2 की वजह से सोल्यूशन चार्ज हो रहा है, तो इसके सिर पे जो +2 चार्ज है उसको नलीफाई करना है, उसको नलीफाई करने का काम कौन करेगा, +2 के लिए -2 चाहिए, तो ये जो दो सल्फेट है इसमें से एक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, SO4-2, तो +2 को -2 से नलीफाई किया गया, न्यूट्रलाइज हो गया, जिससे आपको PbSO4 मिलेगा सॉलिड। तो यहाँ पे एट एनोड ऑक्सीडेशन सिर्फ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन, PPD फॉर्म हो रहा है ना, ये PPD गाढ़ा सा PPD फॉर्म होता है। Now we'll write the net anodic reaction. ये Pb+2 cancel हो जाएगा और then you are left with Pb solid plus SO4-2 aqueous. This is going to give us PbSO4 solid plus 2 moles of electrons. ये net anodic reaction हो गया। अब reaction at cathode देख लेते हैं। कैथोड पे PbO2 का रिडक्शन होता है, सो द रिएक्शन विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस, इस PbO2 इसका रिडक्शन होता है सॉलिड प्लस 4H+, ये 4H+ जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, यहाँ पे ये जो 4H+ है वो प्लस गेन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। This is going to give me Pb+2 aqueous plus 2 moles of water. So this is the reaction. It's a balanced reaction. इसको मैं explain करता हूँ, ये reaction कैसे आता है वो explain करता हूँ। यहाँ पे PbO2 जो है उसको वो actually अपने आप को split करता है Pb+4 और ये ऑक्सीजन 2O-2 ऐसे। अब ये जो Pb+4 है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एक्चुअली, तो रिडक्शन हो गया, कैन यू सी दैट, चार्ज कम हो रहा है कि नहीं, Pb+4 का 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से Pb+2 हो गया, तो इट इज रिडक्शन, +4 to +2 इज रिडक्शन,
और ये जो रहा टू वो माइनस टू, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस फोर है, तो ये माइनस फोर को कैसे नलीफाई करेंगे, प्लस फोर चाहिए, इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड का ये प्लस ये काम आएगा, फोर एच प्लस। अब इन दोनों को अगर आप लिटरली जोड़ देंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ये वो होगा टू एच फोर, ऐसे मिला टू एच फोर। तो ये रिएक्शन है बेसिकली पीबीओ टू का रिडक्शन होता है, मतलब उसके अंदर के पीबी प्लस फोर का होता है, ये रिडक्शन है। और उसने जो ऑक्सीजन का साथ छोड़ दिया है वो 4H प्लस अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको वाटर देगा, तो इसके लिए ऐसा रिएक्शन आता है। ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आगे क्या होता है जो सी, ये पीबी प्लस टू है वो सोल्यूशन में रहेगा, तो सोल्यूशन चार्ज होगा, और सोल्यूशन का चार्ज होना अच्छी बात नहीं है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसके सिर पर जो प्लस टू इसको नलीफाई करना जरूरी है। कैसे नलीफाई करेंगे, तो इसके लिए वो पीबी प्लस टू जो है उसके साथ एसओ फोर माइनस टू रिएक्ट करेगा। कौन सा एसओ फोर माइनस टू, ये ऊपर देखिएगा, ये दो जो है उसमें से एक ही यूज हुआ है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब एक बच्चा है वो अभी यहाँ पे यूज होगा, ये तो वापस आपको पीबीएसओ फोर मिलेगा, ये पीबीएसओ फोर सॉलिड, ये पीपीटी। तो अभी यहाँ पे भी कैथोड के दौरान ये रिडक्शन हुआ है, इट इज फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन, पीपीटी फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेशन। अभी इसका भी नेट रिएक्शन लिखते हैं, सो व्हाट विल बी द नेट रिएक्शन योर, अगेन पीबी प्लस टू एंड पीबी प्लस टू विल गेट कैंसिल, क्या क्या बचा है, लेट अस सी, पीबीओ टू सॉलिड, प्लस ये 4H प्लस है, एक्वेस प्लस SO4 माइनस टू, एक्वेस प्लस टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुक एट द प्रोडक्ट, वी हैव द प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4 प्लस टू मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन, यहाँ पे भी रिडक्शन इज फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन, ऐसा है। अभी नेट सेल रिएक्शन देखते हैं, जस्ट सी द नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन मतलब एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर दें, तो ये रिएक्शन और ये इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये निकल जाएगा टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया। अभी लिटरली ऐड करते हैं, एक टर्म इधर का लिख रहा हूँ, पीबी सॉलिड, कैन यू सी दैट, प्लस पीबीओ टू सॉलिड। अब ठीक से देखना, ये इन सबको जोड़ना है, एक ये दो और ये ऊपर दिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तीन, इनको जोड़ देंगे तो बनेगा टू एच टू एसओ फोर, PbSO4 plus PbSO4 is 2 PbSO4 plus 2H2O liquid। ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन लेड एक्यूमुलेटर का। अब ये सारे जो रिएक्शन लिखे हैं, है ना, ऑल दीज रिएक्शन है ना डिस्चार्जिंग के दौरान का लिखा है। सपोज चार्जिंग का लिखना है तो क्या करना है, ये जो रिएक्शन है ये, फिर ये दूसरा और तीसरा नेट, सिर्फ इनको ही लिखना है, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं। चार्जिंग के लिए क्या करने का, उल्टा करने का, दो चीजें चेंज करनी है, क्या, डिस्चार्जिंग के एनोड का रिएक्शन चार्जिंग के कैथोड पे लिखना है और रिवर्स करना है, और डिस्चार्जिंग के कैथोड का रिएक्शन चार्जिंग के एनोड पे लिखना है लेकिन रिवर्स करके लिखना है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग के एनोड का है, ये किधर जाएगा, चार्जिंग के कैथोड पे, लेकिन उल्टा, मतलब ये जाएगा रिएक्टेंट में और ये आएगा प्रोडक्ट में। अब ये रिएक्शन कौन सा है, ये डिस्चार्जिंग के कैथोड का रिएक्शन, ये किधर जाएगा, चार्जिंग के एनोड पे और उल्टा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में जाएगा और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये अपने आप उल्टा हो जाएगा, ऐसा। आपको याद सिर्फ ये रखना है डिस्चार्जिंग, चार्जिंग पूछा तो क्या करने का, मैंने बताया दो बार चेंज करना है, ये डिस्चार्जिंग के एनोड का जाएगा चार्जिंग के कैथोड पे लेकिन उल्टा, ये डिस्चार्जिंग के कैथोड का जाएगा
चार्जिंग के एनोड पे लेकिन उल्टा, तो ये अपने आप उल्टा हो जाएगा. दीज आर ऑल द रिएक्शंस एज फार एज लेड एक्युमुलेटर इज कंसर्न. लेट अस लर्न द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर लेड एक्युमुलेटर. सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं एनोड. ये नेगेटिव ऑफ एनोड है और एनोड हम सभी जानते हैं वो पीबी से बना है और कैथोड पीबीओ टू से. अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है एनोड या कैथोड, यू कैन सी इन द डायग्राम H2SO4 है. सारे एनोड कैथोड सल्फ्यूरिक एसिड में डूबा हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन है. तो जो कॉमन चीज है पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे सेंटर में H2SO4 एक्वियस और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 38%. थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ H2SO4 एक्वियस 38%. इस तरफ आएगा एनोड, इस तरफ आएगा कैथोड. और कौन सा चीज है जो कॉमन है दोनों में? इफ यू सी PbSO4 है, कैथोड पे भी मिला है और एनोड पे भी, हमने रिएक्शन के दौरान देखा है ना. तो यहाँ पे दोनों तरफ PbSO4 आएगा, PbSO4 का प्रेसिपिटेट मिला है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब एनोड पे PbSO4 इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पीबी स्ट्रेट अवे. एनोड पीबी से बना है वैसे लिखना चाहिए ना. ये एनोड का नेगेटिव यहाँ लिख देता हूँ. और यहाँ पे पहले PbO2 का पाउडर इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और पाउडर के अंदर वापस पीबी का प्लेट ही, इसके लिए पीबी आएगा सॉलिड और ये कैथोड का पॉजिटिव आएगा रिप्रेजेंटेशन. ये डायग्राम का नेगेटिव है ये. तो आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे भी डबल वर्टिकल लाइन नहीं है, सब जगह पे सिंगल वर्टिकल लाइन है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसा कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर सब कुछ. तो वापस देख लेना H2SO4 कॉमन है, सेंटर में लिखा है वो सोल्यूशन है आपका 38% सोल्यूशन है. फिर PbSO4 एनोड में भी प्रेसिपिटेशन में मिलता है, ये भी कॉमन है. PbSO4 पहले PbO2 के कॉन्टैक्ट में, PbO2 के अंदर पीबी है, इसके लिए लिखा है ये कैथोड का प्लस है और यहाँ पे PbSO4 इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पीबी, दिस इज एनोड. तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन. इसके अलावा इसके यूजेस क्या है वो देख लेते हैं, है ना. व्हाट आर द यूजेस? द फर्स्ट यूज इज दिस इज यूज्ड एज अ कार बैटरी. जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स में इसको यूज किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में इसको यूज किया जाता है, या बड़े बड़े वॉल क्लॉक्स जो होते हैं ना, जो अगर हम लोग मुंबई में CST की तरफ या चर्च गेट की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी इमारतें पे बहुत बड़े वॉल क्लॉक लगे होते हैं, उसके अंदर उसका मैकेनिज्म होता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए लेड एक्युमुलेटर प्रेफर किया जाता है. ऐसे कई सारे यूजेस है लेड एक्युमुलेटर में, ज़्यादातर तो कार में यूज होता है, इसके लिए फेमस लीड इज कॉल्ड एज कार बैटरी. इसके अलावा इसको मेंटेनेंस लगता है, मेंटेनेंस एज इन इसको मैन्युअली साफ करना पड़ता है. जैसे ये जो प्लेट्स है डायग्राम में, इसके ऊपर PbSO4 जमा होता है, तो पूरा सेल ओपन करके PbSO4 हाथ से मैन्युअली साफ करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस लगता है. इसका वोल्टेज 2 वोल्ट्स है, तो डिस्चार्ज होते होते वो कम होने लगता है, तो इट शुड नॉट बी अलाउड टू रन बिलो 1.7 वोल्ट्स, है ना. ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए यू हैव टू टेक केयर. मतलब सपोज ये कार बैटरी है, आपने कार में कनेक्ट किया हुआ है और आप सपोज का अपनी गाड़ी बहुत देर के लिए यूज़ नहीं करने वाले, तो फिर वायर्स निकाल के रखने चाहिए, क्योंकि कनेक्टेड सर्किट में रखेंगे तो बैटरी उतरता रहता है, मतलब डिस्चार्ज होते रहता है. और वो 2 वोल्ट्स के नीचे गया, सपोज 1.7 तक गया, उसके नीचे गया तो फिर कुछ काम का नहीं, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा. तो इस ये सब केयर लेना पड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है. इसका एफिशिएंसी 40% है और सारे सेल्स में सबसे बेस्ट इसका एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी इज 40%. 40% एफिशिएंसी है मतलब क्या, ये जो कन्वर्ट करता है, अभी सपोज मान लो इट इज़ वर्किंग, इट इज़ डिस्चार्जिंग, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है,
तो केमिकल एनर्जी पहले पूरा का पूरा 100% हीट में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्जन पूरा 100% हो गया, लेकिन हीट का सिर्फ 40% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ऐसा है, 60% इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इसका एफिशिएंसी 40% है लेड एक्यूमुलेटर का, जो सारे कन्वेंशनल सेल में सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा लेड एक्यूमुलेटर का है, और वोल्टेज भी काफी अच्छा है, विच इज 2 वोल्ट्स। लेकिन ये एसिडिक मीडियम वाला है, H2SO4 एसिडिक है, इसके लिए करोजन फास्ट होता है, ऐसे इसका लाइफ और बढ़ाने के लिए मीडियम हम लोग अल्कलाइन कर सकते हैं टू हैव अ बेटर बैटरी। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्टोरेज सेल लेड एक्यूमुलेटर। निकैड सेल, नाउ निकल कैडमियम सेल, ये अल्कलाइन बैटरी है, तो इसके रिएक्शंस देखते हैं। लेट अस सी द रिएक्शन एट एनोड। कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे। अल्कली मतलब मैं उसका OH- लिख रहा हूँ, ये अल्कली है आप जानते ही हैं, 2OH- लगेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH twice solid plus 2 moles of electrons. So this is clearly oxidation. कैडमियम का इधर चार्ज क्या है? जीरो। जीरो का चेंज होकर इधर प्लस टू हो रहा है, जीरो टू प्लस टू मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो गया। अभी रिएक्शन है क्या थोड़ा देखते हैं। हमने नाम में निकल लिखा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे निकल ऑक्साइड यूज होता है, NiO2 सॉलिड, जैसे जिसमें Ni+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड रिक्वायर वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे। सो व्हाट इज इट गोइंग टू गिव मी? इट विल गिव यू निकल हाइड्रोक्साइड, NiOH ट्वाइस सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ OH-. The reaction is perfectly balanced. This is reduction reaction. यहाँ पे change हो रहा है, Ni+4 is getting changed into Ni+2. Number कम हो रहा है, is reduction. So now let us see the mid cell reaction. So a lot of things are getting cancelled. 2 moles of electrons. OH- getting cancelled, and what we are left with is Cd solid plus NiO2 solid, Cd solid plus NiO2 solid plus 2 moles of water, giving us the cancelled to pack CdOH twice solid plus NiOH twice solid, ये दो बचा है। So this is the next cell reaction for nickel cadmium cell. It's very simple.